पावर बीआई की आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन, और टेक्स्ट फंक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेट फंक्शंस की। तो एक छोटा सा डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं पहले। मान लीजिए हम डेटा वन ही ले लेते हैं, और सेलेक्ट करते हैं अपने शीट्स को एंड लोड करते हैं। अब जैसे कि डेटा में हम बात करते हैं, तो डेटा में आपके डेट के यहाँ पे सेल्स डेट डाला हुआ, इसमें डेट का फॉर्मेट डाला हुआ, राइट। मुझे इसमें से मंथ अलग करना है, इसमें से मुझे मंथ को अलग करना है, सिर्फ मंथ अलग चाहिए। तो न्यू कॉलम में हम जाते हैं और यहां पे मैं डेट फिर मंथ, यहां पे हाँ मंथ। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके डेट टाइम के मंथ का फॉर्मूला, राइट। तो मंथ फॉर्मूले में अगर हम यहां पे सेल्स डेट को सिलेक्ट करते हैं, तो यहां पे आपके सामने मंथ इन द नंबर में आता है। लेकिन जरूरी है कि मंथ फॉर्मूला लगाएं, आप यहां पे सेल्स डेट को सिलेक्ट करेंगे, इसमें पूछता है क्या चाहिए आपको। तो जैसे कि हमने यहां पे मंथ को सिलेक्ट कर लिया, मंथ सिलेक्ट करके एंटर मारा, यहां पे मंथ फुल नेम में आ गया, जनवरी फरवरी मार्च फुल में आ गया। तो इसी तरह से मैं अगर यहां पे मंथ की जगह पे मंथ नंबर करूंगा, तो आपका मंथ इन द नंबर में आ जाएगा। बट तो फिक्स है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से तीन डिजिट में एमएमएम इस तरह से, माने कि जैन फैब इस तरह चाहिए, पूरा जनवरी लिखा हुआ नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे फॉर्मेट का फॉर्मूला कि फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स डेट को, और इसमें हम कर देंगे यहां पे एम एम एम, तीन बार एम एम करेंगे तो यहां आपका आ जाएगा मंथ, चार बार करेंगे तो पूरा आएगा डी डी डी, तीन बार डी डी करेंगे तो संडे संडे मंडे आ जाएगा। तो जो हम एक्सेल के जो कस्टम फॉर्मेट में जो कोड डालते थे, उस कोड के हिसाब से यहां पे आता है। दूसरा मान लीजिए ये डेसिमल्स में आपका दिख रहा है, मैं इसको राउंड का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, या फिर मैं इसमें फॉर्मेट के फॉर्मूले में दे सकता हूं यहां पे कौन सा है रेवेन्यू पर आवर, और यहां पे कॉमा हमने यहां पे दे दिया 0.00 दे दिया। तब यहां पे देखेंगे कि ये टू डिजिट मेंटेन हो जाएगा, जिसमें डेसिमल नहीं है उसमें भी टू डिजिट हमारा लग गया, टू डेसिमल प्लेस से लग गया। किसी में ज्यादा है, जैसे देखिए 266 ज्यादा है तो टू डिजिट यहां पे आ गया। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, वो कोड हम फॉर्मेट पे लिखते हैं, चाहे वो डेट के लिए हो चाहे वो नंबर के लिए हो, ये फॉर्मेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी है, जो जीरो नहीं है, तो जीरो रहता था, एग्जांपल और दे देता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग के सारे कोड यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मेट्स का, फॉर्मेट के अंदर में। तो जो एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला था ना, वो टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे आपका फॉर्मेट बन गया है। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? हेलो, कोई डाउट नहीं। अभी इसमें हमारा फिक्स का फॉर्मूला है, फिक्स फॉर्मूला के बारे में जान लीजिए क्या होता है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ आपका अमाउंट डला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस अमाउंट के ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग कर सकता है ना सर,
यहाँ पे होल नंबर की जगह पे करेंसी कर सकता है, टेट कर सकता है, ओल्ड नंबर कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे कर सकता है, परसेंटेज कर सकता है, जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, तो परसेंटेज हो गया। इससे दिक्कत होगी आपकी रिपोर्ट में। आप चाहते कि नहीं, मेरा एक ऐसा कॉलन हो चाहिए, होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं होगा, कोई फॉर्मेटिंग कर ही नहीं पाएगा, समझे। यहाँ पे न्यू कॉलन में हम आते हैं और न्यू कॉलन में हम यहाँ पे देते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर हमारा नंबर आ जाता है कौन सा, अमाउंट। और यहाँ पे डेसिमल नहीं देना है, देना है ठीक है, नहीं देना, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं दिया। तो यहाँ देखिए ये फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया एक फॉर्मेट में आके। तो एग्जैक्ट की बात हम करते हैं, एग्जैक्ट क्या करता है, चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला, जैसे कि आप अगर मैच करना चाहते हैं, जैसे आप मैच करना चाहते हैं, हम लोग मान लीजिए कि इसमें मैच करते हैं टीम और टीम ए में, इस पे तो डेटा नहीं है बट हम आपको एक्सेल में समझा देते हैं। एक्सेल में जो यहाँ यूज होता है ऐसे यहाँ भी होता है। जैसे आप इफ फॉर्मूला लगाते हैं तो इफ फॉर्मूला में हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, केस जो है वो सेंसिटिव नहीं होता, केस हमारा फिक्स होता है। तो आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिव हो, मतलब कि केस को आपस में बड़े या छोटे कैपिटल को सर्च करें, तो उसमें हम यूज करते हैं फिक्स्ड का। जैसे कि मान लीजिए ना, यहाँ पे हम एक करके दिखाते हैं और यहाँ पे करते हैं टीम, टीम इज इक्वल टू, हमने यहां पे कर दिया टीम, ये आपका ट्रू फॉल्स आ गया जहां जहां टीम ए है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे टीम ए जो लिखा हुआ है इसको स्मॉल कर देता हूं तो क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि हमारा ये कंडीशन में केस सेंसिटिव नहीं होता। आपको केस सेंसिटिव रखना है जस्ट लाइक पासवर्ड, तो एग्जैक्ट का यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट, और यहां पे हमने इसको कॉमा कर देता हूं मैं। यहां देखिएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया क्योंकि ए कैपिटल नहीं है, यहां ए को कैपिटल कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहां पे ट्रू आ गया, तो एग्जैक्ट इसी चीज के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे आता है कंटेन स्ट्रिंग एग्जैक्ट, ठीक है, अच्छे से फाइन टेक्स्ट करना है, एक मिनट न्यू कॉलम पे हम जाते हैं। अब यहां पे हम देते हैं मान लीजिए चेक्ड, टैक्स कौन होना चाहिए तो हमने मान दिया टीम, और क्या फाइन करना है तो हमने बोल दिया ए।
ए जो है सब में है, मैं इसमें कैपिटल ए कर देता हूं। तो देखिए यहां पे, तो ये फाइंड फॉर्मूला की तरह वर्क करता है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट होता है, मतलब कि एग्जैक्ट मैच करता है। अब हमने जो कैप डाला इसमें है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो हमने कल फाइंड का फॉर्मूला लगा रहे थे तो फाइंड के फॉर्मूले में दिक्कत हो रही थी ना, क्योंकि वो एरर दे रहा था। तो आपको अगर चेक करना है कि पर्टिकुलर वर्ड करेक्टर इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कोई भी वर्ड करेक्टर, उसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं करेक्टर स्ट्रिंग टेक्स्ट के यूज में, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट सर? यहाँ पे सर अभी नहीं सर, ठीक है। आता है कंटेन स्ट्रिंग, ये फॉर्मूला पावर बी आई का है, एक्सेल में वीबीएम में नहीं है, पावर बी आई का है। सेम आपका ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला सेम लगता है, बट इसमें ये है कि ये यहाँ पे केस नॉट, ये आपका कंटेन, ये जो है कंटेन स्ट्रिंग इज नॉट केस सेंसिटिव। जैसे कि आइए अभी आपने जो ये लगाया फॉर्मूला, इसमें अगर मैं स्मॉल ए कर दूंगा तो इस इसमें लोगों के लेता है, मान लो ई कर देता हूँ, ई तो नहीं रही इसमें, हाँ यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं स्मॉल जे कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉल्स आएगा। इसमें टीम जे में जाके देखिए, टीम जे ये आपको यहाँ पे फॉल्स दिखाया, क्योंकि जे उसमें है ही नहीं, क्योंकि स्मॉल है। अगर हम कैप्स कर दें, क्योंकि ये एग्जैक्ट लगा हुआ है, तो इसमें अगर मान लीजिए हम स्ट्रिंग कर देते हैं तो अब यहाँ पे आपका ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ गया ना, क्योंकि नॉन केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद यही पे आपको कंटेन टेक्स्ट होता है यहाँ पे, अरे नहीं ये अलग है, कंटेन टेक्स अलग है, ये तो कॉन्कनिएट जैसा है। हाँ ये अलग चीज है, ये आपस में मल्टी, ये अति करने का है, आपस में दोनों को ऐड करने का, जैसे दो नाम को ऐड करते थे ना एक कंकनेट से, हाँ वही चीज है, वही चीज है, सही बोला आपने। लेकिन इसमें एक फायदा है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं टीम और टीम मेंबर को आपस में कंकनेट करना चाहता हूँ, तो एक तो है कि आप यहाँ पे टी एम कर देता हूँ मैं, एक तो यहाँ पर ये है कि आप ये कर सकते हो कि टीम और इसके साथ एन परसेंट और यहाँ पे कॉमा एन परसेंट और फिर यहाँ पे आप टीम मेंबर कर सकते हो, टीम मेंबर्स, तो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इसमें इसकी जगह पे हम एक या और भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बताया आपने अभी, इसमें आपको ये देना है टीम, जैसे टेबल देना होता है, टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे सीट हमारा है, सीट, एक्सप्रेशन कौन सा है, ओके, तो इसमें हमारा हो जाएगा, टीम एन परसेंट टीम मेंबर फिर कॉमा ये रहा सेपरेट, ये डबल टाइम ऐड कर दिया इसमें, नहीं नहीं इसका यूज इसके लिए नहीं होता है, माफ कीजिएगा इसका यूज इसके लिए नहीं होता है, ये यूज होता है मेजर्स में, जितने भी पूरा कॉलन को मर्ज करके दे देता है, जितना भी कॉलम्स है सबको आपस में मर्ज कर देता है, ये टेक्स्ट फॉर्मूला की जैसे होता है यहाँ पे, इसको हम मेजर्स में कर सकते हैं, जैसे मेजर्स में हम जाएंगे
और यहाँ पे हम कह देते हैं कर सकते हैं कॉन्कैटेनेट एक्स, टेबल कौन सा है तो सीट यहाँ पे वन, एक्सप्रेशन क्या है तो एक्सप्रेशन में हमने बोल दिया यहाँ पे सीटिंग और यहाँ पे एन परसेंट स्पेस दे रहा हूँ, दे रहा हूँ टीम मेंबर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में क्या होगा तो यहाँ पे कॉमा होगा। यहाँ पे हमने सिंगल को लगा दिया, अब टेबल नेम नहीं दिया है, शीट वन दिया है कॉन्कैट एक्स के बाद। नहीं सही तो है यहाँ पे टीम मेंबर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सैंटिनोर के टीम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम सीट वन दिया, सीट वन टीम एन परसेंट, फिर एन परसेंट सीट टीम मेंबर, फिर कॉमा दे दिया हमने। प्रॉब्लम है इस पे तो काम कर रहा है, एक एक सेल में मर्ज कर रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा तो है नहीं। मेजर्स पे फायदा होता है लेकिन दिक्कत हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है फिर बताता हूँ। हालांकि इसका यूज हमें कहीं दिख नहीं रहा है, इतने बड़े डेटा को आपस पूरे कॉलम को मर्ज करेगा उससे क्या फायदा होगा। कॉन्कैटेनेट जैसे एन परसेंट है उसका ही होता है कोर, तो हमने आपके टैक्स फंक्शन के सारे चीज कवर कर दी है, तो टैक्स फंक्शन की कैटेगरी सर ये नी क्या बोले, सर नीचे यूनिकोड और वो जो है एक वो कोड क्या है? बताया अच्छा था आपको ने मैंने लास्ट क्लास में, हाँ कोड तो बताया था आपने। यूनिकोड कोड, या यूनिकोड जैसा कोड होता है, यूनिकोड कोड दोनों एक ही होता है। ठीक है, बाकी अपर है लोअर है ये जो नॉर्मल चीजें हैं तो आपको पता ही होगा, बताने की हाँ कुछ वो तो पता है, वो ऐसे लोअर भी तो एक सर बार स्कैन कर लीजिएगा, अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आपको कल की क्लास में इस टेक्स में कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि मेजर्स में यूज, इसमें कोई मेजर्स में यूज होने वाला फंक्शन तो है नहीं, तो लेकिन फिर भी हम इसको मेजर्स में यूज करके कल बताएंगे और कल हम डेट एंड टाइम फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके चलिए मिलते हैं कल। कल सैटरडे।